ईडी ने महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पहले चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने विशेष अदालत में 14 आरोपियों के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट पेश कर दिया, जिसमें सौरभ चंद्राकर और उसके सहयोगी रवि उप्पल का नाम भी शामिल है। ईडी की ये चार्जशीट करीब 10,000 पन्नों की है। कोर्ट में अगली सुनवाई 25 नवम्बर को होगी। जय जोहार छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है, मैं हूँ पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल के बीच महादेव सट्टा ऐप का मुद्दा लगातार गरमा रहा है। अब इस पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सौरभ चंद्राकर और उनके सहयोगियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर कर दी है। ईडी ने इस मामले में अदालत में 9,084 पन्ने का चार्जशीट पेश किया है। इसमें आपराधिक शिकायत 197 पन्नों का, जबकि इससे संबंधित अभिलेख 8,887 पन्नों का है। ईडी ने चार्जशीट में सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, अनिल धमानी, सुनील धमानी, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा, पूनाराम वर्मा, शिव कुमार वर्मा, यशोदा वर्मा और पवन नत्थानी का नाम बतौर आरोपी के रूप में शामिल किया है। इनमें चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, अनिल धमानी और सुनील धमानी इसी मामले में न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल में बंद हैं। ईडी के मुताबिक शुरुआती तौर पर 41 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। दरअसल महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने इसके संचालक सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल को मुख्य आरोपी बनाया है, जिसकी अनुमानित संपत्ति 6,000 करोड़ से अधिक होने की काउंटिंग की गई है। संचालक के साथ 14 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है। ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे के मुताबिक नियमों के अंतर्गत इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चालान पेश किया जाना अनिवार्य है। मामले की विवेचना जारी है, विवेचना के अनुरूप अलग से चालान पेश होगा। इस मामले में कथित संलिप्तता को लेकर कई बॉलीवुड हस्तियां और गायक ईडी की जांच के दायरे में हैं। उमा कुरैशी और हिना खान को ऐप के कथित प्रचार के लिए और कपिल शर्मा को पिछले सितंबर में दुबई में महादेव बुक ऐप की सक्सेस पार्टी में भाग लेने के लिए बुलाया गया था। उसके पहले ईडी ने कथित तौर पर ऐप को प्रमोट करने के लिए रणवीर कपूर को भी तलब किया था। जानकारों की माने तो अभिनेता ने प्रमोशन के लिए नगद पैसे लिए। सितंबर में उन अभिनेताओं और गायकों का खुलासा हो गया था जो इस साल फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित सौरभ चंद्राकर के शादी में शामिल हुए थे। सनी लियोनी, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, अली अब्राहम, भारतीय सिंह, नेहा कक्कड़, भाग्यश्री, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा और कृष्णा अभिषेक शामिल हुए थे। बता दें सौरभ चंद्राकर और उनके सहयोगी रवि उप्पल ने महादेव बुक ऐप ब्रांड के तहत कई वेबसाइट और ऐप बनाया जो ऑनलाइन कैसीनो और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। यह भारत में अवैध गतिविधियों में आती है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले दोनों दुबई में छिपे हुए हैं। कंपनी की पूरे बारात में हजारों फ्रेंचाइजी है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या छत्तीसगढ़ में है। ईडी और छत्तीसगढ़ पुलिस ने अगस्त में दोनों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया था। अगर वे भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो LOC पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुंबई से ये जानकारी आप तक पहुंचाई हमारे सहयोगी दिव्येश सिंह ने। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार।